नमस्कार, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी क्रम में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टीन थोरे से ली है। विद्वानों का मत है कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विवेचना प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत की है, जिसका विश्व जगत में विशेष प्रभाव पड़ा है। और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के संबंध में जो विचार है वे भिन्न भिन्न रूपों में देखे जा चुके हैं। हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स के उन्हीं विचारों और दृष्टिकोणों का वर्ग संघर्ष के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार कार्ल मार्क्स की मान्यता रही है कि वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने की कुंजी है। और आपने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र के अध्याय प्रथम पूंजीपति और सर्वहारा में पहली पंक्ति लिखते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, जो निम्न प्रकार है। वो कहते हैं कार्ल मार्क्स कि अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। जैसे स्वतंत्र मनुष्य और दास, पेट्रिशियन और पलेवीपन, सामंती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर, संक्षेप में अगर हम कहें तो उत्पीड़क और उत्पीड़ित अर्थात शोषक और शोषित बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, और जिस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में हुआ है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के संबंध में जो विचार 1848 में रहे हैं वे जीवन पर्यंत बने रहे हैं। इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में जो सामंती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है, वर्ग विरोधों को समाप्त नहीं किया गया और उसने केवल पुराने के स्थान पर नए वर्ग और उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई अवस्थाएं और संघर्ष के पुराने रूपों की जगह नए रूप खड़े कर दिए हैं। इसके पश्चात अब हम महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार से हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष को समझने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अर्थ का अध्ययन करें। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन अवधारणाएं हैं। पहला है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग और तीसरा संघर्ष। हम इन तीनों अवधारणाओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला बिंदु है शोषक वर्ग। इसके अंतर्गत मार्क्स के अनुसार शोषक वह व्यक्ति है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और भिन्न भिन्न कालों में उत्पादन के साधन भिन्न भिन्न होते हैं, और उन्हीं के अनुसार उन साधनों से संबंधित शोषक के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। दासत्व युग में शोषक स्वामी या मालिक था। वह पशुओं, बीजों, औजारों और भूमि आदि उत्पादन के साधनों का स्वामी भी था। सामंती युग में शोषक सामंत था, उसका भूमि अर्थात खेती की जमीन पर स्वामित्व था एवं वह सत्ताधारी भी था। पूंजीवादी समाज में यह शोषक पूंजीपति है जिसका कारखानों, उद्योग धंधों आदि पर स्वामित्व होता है। शोषक का स्वामित्व कच्चे माल, पूंजी, भूमि, कल कारखानों और कार्य आदि पर होता है, और सभी शोषक मिलकर शोषक वर्ग बनाते हैं जो कि साधन संपन्न, शक्तिशाली, सत्ताधारी एवं ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। इस प्रकार
मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग का एक प्रकार से उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों पर आधिपत्य होता है। शोषकों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और अतिरिक्त मूल्य की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ाना एवं शोषित का अधिकतम शोषण करना होता है। इस प्रकार से शोषक परजीवी होता है जो शोषित का शोषण करने के लिए व अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन भी करता है। इसको हम शोषक वर्ग कहते हैं। दूसरा बिंदु है शोषित वर्ग। यहाँ पर मार्क्स का कथन है कि शोषित वह व्यक्ति है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है और वह हमेशा अभावग्रस्त होता है। शोषित अपना श्रम शोषक को बेचता है। जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं उसी के अनुरूप श्रम का रूप एवं प्रकार भी होता है। शोषित मानव समाज के इतिहास में हर काल में रहे हैं। जिस काल में जैसा उत्पादन का साधन था उसी के अनुसार श्रम बेचने वाले शोषित का भी रूप रहा है। दासत्व युग में शोषित का रूप दास था और सामंत युग में शोषित का रूप भूमिहीन कृषक था और वर्तमान में पूंजीपति युग में शोषित श्रमिक है। तो इस प्रकार श्रमिक को कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी है और अनेक शोषित मिलकर जिस बड़े समूह का निर्माण करते हैं वह शोषित वर्ग कहलाता है। पूंजीपति व्यवस्था में अनेक श्रमिक या सर्वहारा मिलकर शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न कालों में शोषित वर्ग शोषक वर्ग को अपना श्रम जीविकोपार्जन के लिए बेचता रहा है। शोषित की मजदूरी का निर्धारण हमेशा शोषक वर्ग ने किया है और शोषक वर्ग का हमेशा यह प्रयास रहा है कि उसने शोषितों की कम से कम मजदूरी निश्चित की है और अधिक से अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड़पने का यहाँ पर उसने प्रयास भी किया है। तो इस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण शोषक की मांग और शोषितों की पूर्ति पर निर्भर करता है और शोषित का जीवन हमेशा दयनीय रहा है, इसलिए मार्क्स ने उसे उत्पीड़ित भी कहा है। और यहाँ शोषित के विभिन्न रूप जैसे उत्पीड़ित, दास, कृषक, श्रमिक, मजदूर व गुलाम आदि अपने अपने कालों में बड़े समूहों के रूप में रहे हैं जिनको कार्ल मार्क्स ने दास वर्ग, गुलाम वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग आदि की संज्ञा दी है। शोषित वर्ग कहलाता है। तीसरा बिंदु है संघर्ष। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपने विभिन्न कृतियों में संघर्ष की अवधारणा का प्रयोग किया है, उसके अनुसार संघर्ष से आपका तात्पर्य दो वर्गों के परस्पर विरोध से है। यह विरोध कभी छिपे रूप में होता है तो कभी स्पष्ट और कभी प्रकट रूप में होता है। यह लड़ाई लगातार हो सकती है और रुक रुक कर भी हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई अथवा संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन के रूप में सामने आता है अथवा जिन वर्गों में संघर्ष होता है वे बर्बाद हो जाते हैं। और कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि समाज में एक वर्ग आवश्यकता की पूर्ति के साधनों पर नियंत्रण रखता है, लेकिन दूसरा वर्ग समाज में ऐसा होता है जिसकी आवश्यक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती और यह असंतुष्ट वर्ग अपने असंतोष और विरोध को तरह तरह से व्यक्त करता है। इसी प्रकार साधन संपन्न शोषक वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है और साधनहीन शोषित वर्ग उन साधनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। जब शोषित वर्ग की पीड़ा बढ़ जाती है और असहनीय हो जाती है तो यह असंतोष क्रांति का रूप ले लेता है और शोषक वर्ग की हार होती है और समाज में क्रांतिकारी पुनर्गठन स्थापित हो जाता है।
इसके पश्चात अब हम पूंजीवाद के विनाश के कारण का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र में पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के कारणों का उल्लेख किया है और आपने विचार व्यक्त किए हैं कि पूंजीवादी स्वयं सर्वहारा वर्ग को लड़ने के लिए यंत्र प्रदान करता है और श्रमजीवी वर्ग क्रांति करके अपना शासन स्थापित करेगा और धीरे धीरे पूंजीवाद के सभी लक्षण समाप्त हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के विनाश के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है जो कि इस प्रकार से हैं। इसका पहला बिंदु है अतिरिक्त मूल्य, अंग्रेजी में इसको सरप्लस वैल्यू भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीपति श्रमिकों के श्रम के द्वारा अधिक से अधिक अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और अतिरिक्त मूल्य वह लाभ है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल को वास्तविक मूल्य और उस माल के बाजार के माल के अंतर के रूप में होता है। पूंजीपति इस अंतर अर्थात अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेता है और कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि इस अतिरिक्त मूल्य में श्रमिक का हिस्सा है जो उसे नहीं मिलता है एवं पूंजीपति इस मूल्य के द्वारा श्रमिक का शोषण भी करता है और पूंजीपति जितना अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड़पता है श्रमिक का उतना ही अधिक शोषण होता है और उसे अनुपात में श्रमिकों में असंतोष पैदा होता है और आगे चलकर यही असंतोष पूंजीपति वर्ग व्यवस्था का विनाश का कारण बन जाता है, अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। दूसरा कारण है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। इसके अंतर्गत मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए करता है और उसके सामने समाज के हित एवं उपभोग का आधार नहीं होता है। इससे समाज की मांग और उत्पादन में असंतुलन पैदा हो जाता है, वह अस्थायी आर्थिक संकट पैदा करता है जिससे श्रमिकों को हानि होती है और श्रमिकों में निर्धनता बढ़ जाती है जो आगे चलकर पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष पैदा करती है। तीसरा बिंदु है विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूंजी का संचय। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद के विनाश के अनेक कारण हैं जिसमें पूंजीपतियों का एकाधिकार और पूंजी संचय के साथ साथ विशाल उत्पादन प्रमुख कारण रहे हैं। पूंजीवादी फैक्ट्री प्रणाली पर आधारित है। फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन की गति तीव्र होने के कारण उत्पादन भी जितनी अधिक मात्रा में किए जा सकते हैं। बड़े पूंजीपति अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे एवं मध्यम पूंजीपति टिक नहीं पाते हैं और ये अपनी फैक्ट्री बड़े पूंजीपतियों को बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में फैक्ट्रियां औद्योगिकरण केंद्रों का केंद्रीकरण हो जाता है और मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पूंजीपतियों की संख्या कम हो जाती है और पूंजीपति प्रतिस्पर्धा में जीत जाते हैं और वे अधिक पूंजीपति हो जाते हैं। दूसरी ओर श्रमिक अधिक निर्धन हो जाते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। छोटे और मध्यम वर्गीय पूंजीपति प्रतिस्पर्धा में हार कर निर्धन हो जाते हैं और श्रमिक वर्ग में मिल जाते हैं। यहाँ पर मार्क्स का यह कहना है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ने और अधिक निर्धन होने से उनमें एकता और संगठन बढ़ जाता है। सर्वहारा वर्ग की एकता एवं संगठन को पूंजीपति वर्ग बढ़ाता है और यही आगे चलकर पूंजीपति वर्ग का विनाश करता है। इसका चौथा पॉइंट है आर्थिक संकट। मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य, व्यक्तिगत लाभ, उत्पादन व बाजार की प्रतिस्पर्धा आदि के द्वारा समय समय पर अनेक आर्थिक संकट पैदा करते हैं। पूंजीपति धन का अधिक से अधिक संचय करते हैं जो श्रमिकों में गरीबी बढ़ाता है और श्रमिकों में बेरोजगारी में वृद्धि होती है। काम के घंटे बढ़ जाते हैं, उनको श्रम के बदले में कम वेतन मिलता है
और यह सब समाज के बड़े वर्ग श्रमिकों में अनेक आर्थिक संकट पैदा करता है। अधिक उत्पादन होने से बाजार में उत्पादित वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। पूंजीपति ऐसी स्थिति में अपनी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, औद्योगिक केंद्र आदि बंद कर देते हैं। इससे श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और मार्क्स के अनुसार आर्थिक संकट बेरोजगारी, निर्धनता व तालाबंदी आदि के कारण सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध संघर्ष एवं क्रांति की ओर अग्रसर होता है। पांचवा बिंदु है श्रमिक यंत्रों का दास। मार्क्स का कथन है कि फैक्ट्री प्रणाली में जो उत्पादन व्यवस्था होती है उसमें श्रमिक केवल यंत्रों का दास रह जाता है और उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम विभाजन अनेक व्यक्तियों में बटे होने के कारण श्रमिक का व्यक्तिगत महत्व एवं स्वाभिमान समाप्त हो जाता है और इस असंतोष के कारण श्रमिकों में पूंजीवाद के विनाश के लिए चेतना जागृत हो जाती है और वह संगठित होकर पूंजीपति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करता है। छठा पॉइंट है श्रमिकों में एकता। पूंजीपति व्यवस्था में उत्पादन वृहद स्तर पर होता है। वृहद का मतलब यहाँ पर बड़े स्तर से है। बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों की स्थापना और विकास होता है। औद्योगिकरण और केंद्रीकरण के कारण श्रमिक भी एक स्थान पर बड़ी संख्या में साथ साथ कल कारखानों में काम करते हैं और वे लोग परस्पर मिलते जुलते भी हैं, अपने सुख दुख की चर्चा करते हैं, उनकी समस्याएं, आर्थिक स्थिति, कष्ट व उद्देश्य आदि समान होने के कारण उनमें एकता पैदा हो जाती है व सहयोग की भावना का भी उदय होता है और यह सहयोग और एकता व्यक्तिगत संघर्ष को सामूहिक एवं संगठित संघर्ष में विकसित कर देती है और श्रमिक संगठित होकर अपने कल कारखानों में पूंजीपतियों से अपनी मांगे मनवाने के लिए संगठित रूप से बातचीत करते हैं, वह हड़ताल भी करते हैं और यही आगे चलकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकता है। सातवां और अंतिम बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन। यहां पर कार्ल मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और इन उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की व्यवस्था की जाती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा उत्पादित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था ने संचार एवं यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास भी किया है। इस प्रकार इन संचार और यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप विश्व के सभी श्रमिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के लिए संगठित कर दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से संचार और यातायात के साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिकों को संगठित कर दिया है। पहले जहाँ श्रमिकों का विरोध स्थानीय स्तर तक की संगठित था, उसको इन नए साधनों ने श्रमिकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का नारा "दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ" बुलंद हो गया और कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि विश्व के सभी श्रमिक संगठित होते हैं और क्रांति के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पूंजीवाद के विनाश के कारण का अध्ययन किया और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष को समझा। धन्यवाद।